हेलो एस्पिरेंट्स, ये है सेकंड पार्ट वीडियो GS1 पेपर डिस्कशन का और मैं इसको कंटिन्यू करूंगा अभी। और इस पर्टिकुलर सेक्शन में मैं अभी आर्ट एंड कल्चर के क्वेश्चंस लेने वाला हूं। दो क्वेश्चंस जो आर्ट एंड कल्चर के होंगे और ओवरऑल जो आज का वीडियो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो एज यूजुअल आई एम रितेश शुक्ला एंड दिस इज दिशा पब्लिकेशंस 120 प्लस मेंस डिस्कशन। तो स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टूडे इज अबाउट वाटर मैनेजमेंट प्लानिंग, वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन प्लानिंग इन हड़प्पा कल्चर। तो दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट क्वेश्चन। यू वुड हैव सीन मेनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस इन दी प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ यूपीएससी। तो इस क्वेश्चन को हम जो है डिफाइन करेंगे कि आखिरकार जो वाटर मैनेजमेंट था कंजर्वेशन प्लानिंग को लेके हड़प्पा कल्चर में, उसको कैसे उन्होंने बना रखा था और आखिरकार वो क्या था। तो द क्वेश्चन इज द डिस्कस रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन प्लानिंग इन हड़प्पा कल्चर। तो हड़प्पा कल्चर के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशंस बताने होंगे वो भी वाटर मैनेजमेंट को लेके। दिस इज दी ओवरऑल बेसिक क्वेश्चन। द इंडस वैली सिविलाइजेशन दैट फ्लरिश्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ रिवर इंडस एंड अदर पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया अबाउट 5000 ईयर्स अगो हैड वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड अर्बन वाटर सप्लाई एंड सीवेज सिस्टम्स इन द वर्ल्ड। सो ये बेसिकली दीज आर द फाइंडिंग्स व्हिच वेर डन बाय मेनी ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट्स। अब इस आंसर में लिखने के लिए आपको ये पॉइंट आउट करने की जरूरत नहीं है। इट इज अ वेल एस्टैब्लिश्ड फैक्ट एंड मेनी ऑफ द हिस्टोरियंस आर्कियोलॉजिस्ट्स हैव सेड दैट देयर वर मेनी काइंड्स ऑफ सर्टेन बिल्डिंग्स ब्लॉक्स ड्रेनेज सिस्टम्स दैट वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन और हड़प्पन कल्चर। दोज वेर द थिंग्स दैट वर वेरी मच इंपॉर्टेंट, और इसीलिए उसको जो है फीचर्स कहा जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का या हड़प्पा कल्चर का। तो इसको यहाँ पर डेनोट करके हम ये एस्टैब्लिश फैक्ट कर सकते हैं कि हाँ, ड्रेनेज सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छी थी। उस ड्रेनेज सिस्टम को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। The fact that people were well acquainted with hygiene can be seen from covered drains running beneath the streets of the ruins at both Mohenjo-Daro and Harappa. Another very good example is the well-planned city of Dholavira. तो क्योंकि हमें अभी वाटर मैनेजमेंट के बारे में बताना है और कंजर्वेशन प्लानिंग के बारे में बताना है, तो विदाउट टेकिंग अ पर्टिकुलर साइड वी वोंट बी एबल टू आंसर इट। तो हम जो है इसको एक स्पेसिफिक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक प्लेस को लेके कर सकते हैं। यहाँ पे धोलावीरा है, आप लोथल को भी लेके कर सकते हैं, आप रोपर को भी लेके कर सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग कई साइट्स हैं जो कि पाकिस्तान में भी अभी और अभी वेस्टर्न इंडिया में भी आपको मिलेंगे। इन सारे एरियाज के किसी भी स्पेसिफिक एक प्लेस को लेके आप उनके जो है वाटर मैनेजमेंट था या फिर जो है कोई स्पेसिफिक एरिया था जहां पर अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम था, उसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो आई एम टेकिंग धोलावीरा, वेयर एस यू कैन ऑल्सो यूज ऑल दीज अदर साइट्स एंड प्लेसेस ऑल्सो। तो वाटर कंजर्वेशन ऑफ धोलावीरा स्पीक्स वॉल्यूम ऑफ द इंजेनियरिटी ऑफ द पीपल हु डेवलप्ड अ सिस्टम बेस्ड ऑन रेन वाटर हार्वेस्टिंग सपोर्ट लाइफ इन अ पास्ट लैंडस्केप। तो हाउ दी पीपल वेयर accumulating water that was through rainwater harvesting. This is the important thing that were done in Dholavira, and there are many examples, many areas, step wells or many certain things found at Dholavira, which are the examples which could said that there were proper water management or drainage system in the Dholavira of the Harappan cultures. All right. तो अब ये जो rainwater harvesting है, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट था ओवरऑल इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और ओवरऑल रेन वाटर हार्वेस्टिंग हर जगह पर ही कहीं ना कहीं मिले ही हैं आर्कियोलॉजिस्ट द्वारा। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आप यहाँ पे पॉइंट आउट कर सकते हैं। उसके बाद सम स्टेटमेंट्स विच कुड अफर्म दैट वाटर मैनेजमेंट इन हड़प्पा वेयर क्वाइट बेनिफिशियल, वो जो काफी मतलब कि ये एस्टेब्लिश कर पाए कि हाँ, ऐसे फैक्ट्स आज हमको ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि हम वहां पे मैनेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकेशन दे पाए। रिलाइंग पार्टली ऑन रेन वाटर एंड लिटिल फ्रॉम द ग्राउंड ऑन कॉम्प्लेक्स वाटर सिस्टम कंप्राइजिंग ऑफ लार्ज रॉक कट रिजर्वॉयर्स। अब वहां पर लार्ज रॉक कट रिजर्वॉयर्स देखने को मिलते हैं। तो ये रिजर्वॉयर्स ऐसे हैं जो कि बड़े बड़े चट्टान हुआ करते होंगे और उसमें जो स्पेसिफिक स्पेस होता है उसको कट करके किसी प्रकार से, और उसमें वाटर के एक्यूमुलेशन की एक स्पेसिफिक एरिया बना दी जाती होगी जिससे कि वो जो है इसको वाटर हार्वेस्ट कर पा, यहाँ से वाटर वाटर एक्यूमुलेट कर पाते होंगे। और फिर
वाटर एक्यूमुलेशन के बाद यहाँ से यूज करते होंगे. तो दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडवांसमेंट दैट वॉज फाउंड इन धोलावीरा. द मोस्ट इम्पोजिंग वेल वॉज लोकेटेड इन द कासल एंड इज पॉसिबली द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ रॉक कट वेल. द सिटी ऑल्सो ड्रू वाटर फ्रॉम सीजनल स्ट्रीम्स फ्लोइंग ऑन द नॉर्दर्न एंड साउदर्न फेसेस ऑफ द फोर्टिफिकेशन. द वाटर फ्रॉम दीज स्ट्रीम्स वॉज स्लोड बाई अ सीरीज ऑफ डैम्स एंड पार्टली चैनलाइज्ड वाटर इन टू द लोअर टाउन. एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वॉज कंजर्व टू एंश्योर सर्वाइवल. तो ये जो ओवरऑल वाटर मैनेजमेंट था वो कहाँ से आया? जो कई कैसल्स थे वहां पर, जो रॉक कट वेल थे, ऐसे कई स्पेसिफिक साइट्स जो मिले हुए हैं हड़प्पा कल्चर में, वहां से ये पता चलता है कि वाटर हार्वेस्टिंग वॉज फैंटास्टिक ड्यूरिंग दोज टाइम्स. और एक सर्टेन गैलरीज वाटर जो रिजर्वॉयर्स है वहां से सिटीज के बीच में बनाई गई है, जिससे कि वाटर फ्लो करके ऐसे सिटीज में चला जाए. और वहां पर एक छोटे रॉकेट वेल या स्टेप वेल इस प्रकार के बनाए गए हैं, जहां पर लोग जो है एक जगह इकट्ठा होके और जो भी अपना वहां पर व्हाट एवर दे वांट टू डू दे कैन डू देयर. तो इस प्रकार के सिस्टम वाज ऑलरेडी देयर. ड्रेनेज सिस्टम वाज क्वाइट फैबुलस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हरप्पा. दैट इज व्हाट द नोशन कम्स फ्रॉम द रॉकेट वेल्स, द कासल्स व्हिच वर मेड, द ड्रेनेज पैटर्न दैट वाज क्रिएटेड और फाउंड एट द साइट्स ऑफ धोलावीरा. दीज आर द सम ऑफ द एग्जांपल्स व्हिच कुड गिव अस द एनेक्डोट्स रिगार्डिंग वाटर मैनेजमेंट. ऑलराइट, तो धोलावीरा हैड मैसिव रिजर्वॉयर्स. दे वर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फ्रेश वाटर ब्रॉट बाय रेन्स और टू स्टोर द वाटर डिवर्टेड फ्रॉम टू नियर बाय रिवुलेट्स. दिस क्लियरली केम इन वेक ऑफ द डेजर्ट क्लाइमेट एंड कंडीशंस ऑफ कच्छ, वेयर सेवरल ईयर्स मे पास विदाउट रेनफॉल. अब क्योंकि धोलावीरा जो है गुजरात में है, कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, और अभी भी अभी के अगर उसके ज्योग्राफिकल पैटर्न को देखें तो कच्छ में बहुत बड़े सॉल्ट के बड़े से रेगिस्तान दिखाई पड़ते हैं. तो ये तभी हो पाया जब वहां पर बिल्कुल भी रेन ना हुआ हो, यानी कि उस समय के अनुसार जब भी रेन होता था दैट कुड बी मिनिमल, लेकिन जब भी रेन हुआ करता था तो वो जो है एक बड़े बड़े चट्टान के स्पेसेस बना लेते थे जहां पर वाटर अक्यूमुलेट कर जाता था, बिकॉज दैट वॉज द डायर नीड ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. दैट इज वाई धोलावीरा में आपको ऐसे ऐसे सिचुएशन मिलते हैं. दैट इज वाई वाटर को एक्यूमुलेट करने के स्पेसिफिक पैटर्न जो है वहां पर हमको दिखाई पड़ते हैं धोलावीरा के साइड पे. सो दिस इज द कंक्लूजन पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बिकॉज द ओवरऑल क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग द वाटर मैनेजमेंट एंड इट्स कंजर्वेशन प्लानिंग इन हरप्पा. वी हैव गिवन एग्जांपल ऑफ धोलावीरा, वी हैव गिवन हाउ द साइट्स व्हिच यू आर फाउंड एट धोलावीरा और इवन द साइट्स एट अदर प्लेसेस. यू कैन यूज दोस साइट्स इफ यू आर राइटिंग सच आंसर. तो वहां पर जिस भी प्रकार के जो साइट्स मिले हैं उसमें कुछ छोटे छोटे आप पॉइंट दे सकते हैं, चाहे रॉक कट वेल के बारे में या कैसल्स के बारे में या ड्रेनेज पैटर्न के बारे में. उसको आप स्टैब्लिश फैक्ट एज स्टैब्लिश फैक्ट कॉन्सेप्ट में आप लिख सकते हैं. और फिर फाइनली वी विल कंक्लूड दैट यस, ड्रेन सिस्टम वॉज वेल मेंटेन्ड देन. द ऑलरेडी वाइड सॉरी ओके द ऑलरेडी वाइड टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशंस इन अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ वाटर इन हरप्पा मेड इट यूनिक इन वाटर कंजर्वेशन मैनेजमेंट. तो टेम्पोरल एंड स्पेशियल वेरिएशंस, देयर वेर सेवरल वेरिएशंस दैट वेर डेवलप्ड इन द टाउन्स इटसेल्फ. जब टाउन्स में बिल्डिंग्स और ब्लॉक्स बनाए हुए थे तो उस समय ये ध्यान में रख के बनाया गया कि उनके साइड साइड से कहीं ना कहीं से पानी के आने निकास की या पानी के आने जाने की पूरी व्यवस्था की जाए. तो ओवरऑल द टाउन प्लानिंग वॉज डन बेस्ड ऑन द ड्रेनेज सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ड्रेनेज सिस्टम एंड इट वॉज ऑलरेडी द मेन पॉइंट व्हेन द टाउन वॉज वेयर बींग एस्टेब्लिश्ड. तो स्पेशल वेरिएशन उसमें देखने को मिलते हैं. और वहां पर जो पानी के जो कुछ अवशेष मिलते हैं आज आर्कियोलॉजिस्ट को, या फिर जो क्वालिटी ऑफ वाटर वहां मिलता है, उससे ये पता चलता है कि रेन वाटर वॉज बींग यूज देन वेरी एफिशियंटली. तो दैट इज वाई वी आर कंक्लूडिंग हियर एंड स्टेटिंग दैट वाटर मैनेजमेंट वॉज वेरी बेनिफिशियल देन. ऑल राइट, सो आई विल मूव ऑन टू द अदर क्वेश्चन दैट इज ऑफ आर्ट एंड कल्चर इटसेल्फ. सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज, डू यू थिंक, लेट मी स्टार्ट विद द पेन. Do you think Ellora is unique art center of different cultural streams? Comment. To explain the details regarding Ellora.
एलोरा इज कंसिडर्ड टू हैव वन ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर इंस्टेंसेस ऑफ जस्टापोजिशन ऑफ कल्चर्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट स्ट्रीम्स सिचुएटेड इन द औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. दिस साइट ऑफर्स एन आर्ट सेंटर केटरिंग टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ ब्राह्मण्स बुद्धिस्ट एंड जैनस. तो जैसे ये क्वेश्चन हमारा डिपिक्ट कर रहा है, डू यू थिंक एलोरा इज यूनिक आर्ट सेंटर फॉर डिफरेंट कल्चरल स्ट्रीम्स. हमें कल्चरल डिफरेंट जो कल्चरल स्ट्रीम है वहां पर उसके बारे में बताना है. और डू यू थिंक दिस इज अ क्वेश्चन बीइंग आस्क्ड फ्रॉम यू कि आपको क्या लगता है कि वहां पे कल्चरल स्ट्रीम का जस्टापोजिशन था क्या, वहां पर अक्यूमुलेशन था क्या. तो दिस इज द फंडामेंटल क्वेश्चन हियर. तो हमें क्या बताना है कि एलोरा आखिरकार बना कैसे, और जब ये बना है तो इसमें कौन कौन से अलग अलग रीजन थे, क्योंकि बिकॉज ये क्वेश्चन में ही है कि कल्चरल स्ट्रीम्स का एकजुट हुआ है या नहीं हुआ है. तो एलोरा को जब हम डिफाइन करेंगे, इसका इसे कैसे बनाया गया था, और जब इसे बनाने के बारे में बताएंगे तो ओवरऑल कौन से रिलीजन इसमें इन्वॉल्व थे, उसको हम जो है यहाँ पर पुट आउट कर सकते हैं. तो दैट इज व्हाई ये जो है कहाँ सिचुएटेड है, दैट इज इन औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र. एंड दिस साइट ऑफर्स एन आर्ट सेंटर केटरिंग टू द रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ ब्राह्मणस हु आर पार्ट ऑफ हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैनस. मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केव्स है वहां पर वो बुद्धिस्ट के हैं, फिर हिंदूज के हैं, फिर जैनस के हैं. तो एलोरा ड्यूरिंग द रीन ऑफ राष्ट्रकूट के समय ही इसको एस्टेब्लिश किया गया था. बिकॉज इन द सेंटर ऑफ आर्ट्स विद पेट्रोनियस रिसीव्ड फ्रॉम किंग्स एंड वेरियस गिल्ड्स मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स हु फॉलो डिफरेंट सेक्स एंड रिलीजन. तो इस केव को जो बनाया गया है वो एक बार ही नहीं बनाया गया, कई बार इसको बनाया गया है. तो जिस भी रिलीजन के लोगों ने बनाया वो जो है फॉर्मेट को एक अलग अलग क्षेत्र में बना दिया गया. दैट इज व्हाई दिस इज कॉल्ड एज जक्सटापोजिशन ऑफ कल्चरल और रिलीजियस पीपल. ऑलराइट, क्योंकि अलग अलग रिलीजियंस के कई अलग अलग कहानियां इसमें डिपिक्ट की गई हैं, बताई गई हैं रॉक्स पर ही, इसीलिए इसको जो है बताया जाता है कि कल्चरल स्ट्रीम एक जगह पे पाई जाती है. अनदर थिंग इज From 6th century onwards, artists began to excavate a series of Buddhist caves at the southern end. The Jain caves were added in the northern side at about the same time. तो मैंने बताया कि बुद्धिस्ट के भी वहां पर केव्स में अलग अलग कहानियां डिपिक्ट की गई हैं, हिंदू से भी रिलेटेड कहानियां डिपिक्ट की गई हैं, जैन के द्वारा भी ऐसे कई केव्स बनाए गए हैं. जो जैन केव है वो नॉर्दर्न साइड में है, और बुद्धिस्ट केव जो है वो साउदर्न साइड में है. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिपिक्टमेंट, क्योंकि ये जो है आपको एस्टैब्लिश करना ही होगा कि एलोरा केव्स में कौन से पार्ट में कौन से रिलीजन से रिलेटेड केव्स हैं, ताकि आप ये बता पाए कि एक एलोरा जो केव है वहीं पर सारे रिलीजियंस के भी अलग अलग पार्ट बनाए गए थे. द केव्स एट एलोरा ऑल्सो रिप्रेजेंट लार्ज स्केल बुद्धिस्ट केव आर्किटेक्चर बिफोर इट्स डिक्लाइन इन 13th सेंचुरी. द केव आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर्स शो सर्टन सिमिलैरिटी विद अर्ली स्ट्रक्चर्स सच एज अजंता बाघ कन्हेरी, बट देयर आर डिफरेंसेस इन टर्म्स ऑफ लार्ज स्केल एंड रिचनेस ऑफ स्कल्पचर. तो क्योंकि रॉक पर ही कई ऐसे आइडल्स बनाए गए हैं, कई ऐसे कार्विंग की गई है, अंदर केव्स में कई सारी कहानियां डिपिक्ट की गई हैं, बड़े बड़े कहानियां एपिक्स को वहां पर डिपिक्ट कर दिया गया है पत्थरों पर. तो इसलिए ये जो है काफी बड़ा एंशंट टेम्पल भी ऐसा माना जाता है, और ये इन कंपैरिजन टू अजंता बाग और कन्हेरी से भी डिफरेंट दिखाई देता है, और काफी लार्ज स्केल पे बना हुआ दिखाई देता है, क्योंकि इसमें स्कल्पचरल कार्विंग्स है स्टोन्स पे. एलोरा इज ऑल्सो यूनिक फॉर इट्स मैग्निफिसेंट कैलासनाथ टेम्पल. वहां पर पास में कैलासनाथ टेम्पल ही है, और जो कि हिंदुइज्म से जुड़ा हुआ है. अ शिवा टेम्पल इन द्रविड स्टाइल इज रिचली ऑर्नामेंटेड विद बोल्ड ड्रामेटिक एंड एक्सेप्शनली फाइन स्कल्पचर ऑफ शिवा एंड विष्णु एज वेल. तो शिव जी का मंदिर है, लेकिन वहां विष्णु जी का भी ऐसे स्थापना किया गया है, और उसे द्रविड स्टाइल में बनाया गया है. कैलासनाथ टेम्पल इज इन ऑफ द्रविड स्टाइल. तो ये भी यहाँ पर डिपिक्ट किया जा रहा है कि हिंदू से रिलेटेड भी टेम्पल्स का वहां पर जमावड़ा है. नाउ मूविंग ऑन टुवर्ड द कंक्लूजन, एलोरा हेंस रिप्रेजेंट्स अ यूनिक एमलगमेशन ऑफ कल्चर्स और डिफरेंट सेक्स हैविंग डिफरेंट आइडियोलॉजीज. दे माइट ऑफन हैव बीन इन कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर, बट एलोरा प्रोवाइड्स देम अ सिंगल प्लेस टू एक्सपीरियंस रिचनेस ऑफ आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कल्चर अपोजिट टू देम. अब एलोरा में मैंने बताया कि ये बुद्धिज्म के भी स्पेसिफिक केव्स हैं, जैन्स के भी स्पेसिफिक केव्स हैं, हिंदूज के भी स्पेसिफिक केव्स हैं, और स्पेसिफिक डिपिक्शन भी है गॉड्स को लेके या कहानियों को लेके. तो आखिरकार ये जो है ओवरऑल तीन रिलीजन्स का खास करके एक्यूमुलेशन तो है ही,
और वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी कॉन्फ्लिक्ट भी नहीं दिखाई देती है। और द रिचनेस ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर ऑफ द कल्चर आर ऑपोजिट टू देम, जबकि बुद्धिस्ट के अलग कहानियां हैं, जैन के अलग कहानियां जिसकी कार्विंग्स की गई है रॉक पर, और हिंदूज के अलग कहानियां हैं, लेकिन फिर भी ऑल द थ्री एग्जिस्ट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। दैट इज वाई एलोरा केव कुड बी कॉल्ड एज द कल्चरल स्ट्रीम, द जस्टापोजिशन ऑफ कल्चरल स्ट्रीम्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, उसको इसीलिए एस्टेब्लिश किया जा सकता है। तो ओवरऑल जो हमने स्टेटमेंट में दिया है वो यही बताया है कि बुद्धिस्ट केव जो सदर्न पार्ट में है, जो जैन केव नॉर्दर्न पार्ट में है, और हिंदू टेम्पल जो वहां पर कैलासनाथ टेम्पल शिवजी से रिलेटेड या विष्णु जी से रिलेटेड, ये जो टेम्पल्स हैं ओवरऑल ये सब ये दर्शाते हैं कि तीन तीन रिलीजन का एक ही जगह पर एक्यूमुलेशन है। ठीक है, तो वी विल कंक्लूड दिस ओवरऑल क्वेश्चन इन अ वे, एलोरा ऑल्सो रिप्रेजेंट द टॉलरेंट स्टेट पॉलिसी फॉर ऑल रिलीजियस ग्रुप। So this was the overall question and we have concluded in the same manner, and with this particular part I will be ending this video, and stay tuned for the another video that is coming for the full paper discussion, and another four questions will be discussed tomorrow. So thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.